हमारे पीछे जो ये पर्वत दिखाई दे रहा है जो कि विशाल पर्वत है, इसका नाम है त्रिकुट पर्वत। इस यहाँ पर गह और गजराज का एक बहुत ही भयंकर एक महासंग्राम हुआ था। बहुत पुराने समय में दक्षिण भारत में पांडवंशी राजा हुआ करते थे। राजा का नाम था इंद्र प्रद्युम्न। वो अध्यात्म में उनका इतनी जबरदस्त तरीके से रुचि आती है कि वो अपने गृह त्याग चले जाते हैं और गजेंद्र को अपने बल पर, अपनी ताकत पर इतना बेसुमार घमंड हुआ करता था कि पूरे वन में सभी जीव गजेंद्र से जरा करते थे। जो अचानक से गजेंद्र चिघाड़ लगाते हैं, बहुत जोर से चिघाड़ते हैं और गजेंद्र छटपटाने लगते हैं। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको जो है कि मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, आरा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, उसके बाद राम अवतार और फिर कृष्ण अवतार, फिर बुद्ध के साथ साथ आपको कल्कि अवतार के बारे में भी दिखाया गया। ये जो हमारे पीछे आप पर्वत देख रहे हैं, इसका नाम है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत के ये जो गंडक नदी है बही हुई है और इसके नीचे ये जो पूरा का पूरा एक सरोवर हुआ करता था। इस जगह के बारे में धर्मशास्त्रों में भी काफ़ी अच्छे से वर्णन मिलता है, श्रीमद् भागवत में, और अगर आप देखेंगे तो पुराणों में, वाराह पुराण में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। इसके संबंध में बहुत पुराने समय में दक्षिण भारत में पांडवंशी राजा हुआ करते थे। राजा का नाम था इंद्र प्रद्युम्न। राजा गौतम बुद्ध की भांति ही अपने गृह त्याग देते हैं। मतलब आम तौर पर इस तरह का सिनेरियो रहता है उनके साथ कि राजा पूरे जीवन काल में अपने एक बड़ा ही प्रतापी राजा का वैभव सिद्ध करते हैं, राजपाट का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, सुख समृद्धि भी बहुत अच्छा से रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों अध्यात्म में उनका इतनी ज़बरदस्त तरीके से रुचि आती है कि वो अपने गृह त्याग चले जाते हैं और पहाड़ों पे, पर्वतों पर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राजा को जब राजपाट से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है और सन्यास जीवन करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने सर के बाल दाढ़ी काफ़ी बड़े कर लेते हैं और करने के बाद मलय पर्वत पर जा करके तपस्या करने लगते हैं। तपस्या के कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर 10,000 ऋषियों के साथ दुर्वासा ऋषि आगमन पर निकले हुए थे पदयात्रा पर। संयोग से इंद्रद्युम्न अपने पूजा पाठ में इतने ज़्यादा लीन थे, इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा नहीं और उठ करके स्वागत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा नाराज होते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं कि तुम कैसे राजन हो, तुमने लगता है कि अपने गुरुओं से अच्छी शिक्षा नहीं ली है, और वो नाराज होकर के श्राप दे देते हैं। श्राप इसलिए देते हैं, कहते हैं कि तुम एक हाथी की तरह जड़ बुद्धि हो, ना तो तुम बोले, ना तो तुमने आदर दिखाया, ना तुम खड़े हुए। इसका मतलब एक हाथी की तरह जड़ बुद्धि हो और जाओ, मेरे शाप से तुम हाथी की ही योनि में चले जाओगे। उसी पर आधारित ये पूरा गह गजराज की पूरी कहानी उसी पर टिकी हुई है कि जैसे ही दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देते हैं तो दुर्वासा ऋषि के श्राप देने के बाद वो इसी त्रिकुट के जंगलों में उनका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। वो पुनर्जन्म उनका गजराज के रूप में होता है। गजराज का पुनर्जन्म होता है तो उनको वो शाप की वजह से वो एक हाथी के योनि में चले जाते हैं और वो उसका नाम गजेंद्र रहता। गजेंद्र अपने पुनर्जन्म में इस त्रिकुट पर्वत के इस वन में रहते हैं और ये जो नदी बह रही है ये गंडक नदी है। यहाँ पर एक सरोवर हुआ करता था। इस सरोवर पूरा का पूरा कमल दल था, खूब अच्छे अच्छे फूल और उसकी पंखुड़ियाँ के जो सुगंध है वो वनों में जाते थे। एक दिन गजेंद्र को काफ़ी प्यास लगता है तो गजेंद्र इस त्रिकुट पर्वत के निचले हिस्सों में आते हैं और इसमें पानी पीने लगते हैं। क्योंकि गजेंद्र को पुनर्जीवन की कोई भी बातें याद नहीं थी, हालांकि वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा भक्त था पूर्व जन्म में, इसीलिए तो उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ करके वानप्रस्थ कर गए थे वो। तो जब गजेंद्र आते हैं यहाँ पर और जैसे ही वो सरोवर में पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद गजेंद्र का अपना खुद का परिवार होता है, वो हाथी, वो हथनियाँ, उनका उनके साथी सभी लोग इन्हीं जंगलों में रहते हैं। तो वो लोग आते हैं और आकर के बकायदे पानी वानी पीने के बाद और एक दूसरे के पास सूंड से पानी भर करके गजेंद्र अपने साथियों, जो साथी हाथी और हथनी होते हैं, उनके ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। इस सरोवर में एक बहुत बड़ा मगर रहता था, मगर मतलब जिसको हम ग्राह कहते हैं। जैसे ही मगर, क्योंकि मगर जल का ही जीव है तो वो जल में तो बहुत ही मजबूत और बहुत शक्तिशाली है, तो वो क्या करता है, गजेंद्र के पाँव को अपने मुख से दबा लेता है। गजेंद्र जहाँ उत्सव मना रहे थे अपने परिवार के साथ, इसमें अचानक से गजेंद्र चिघाड़ लगाते हैं, बहुत ज़ोर से चिघाड़ते हैं
और गजेंद्र छटपटाने लगते हैं। पूरा परिवार उनका पानी में से सरोवर से निकल के बाहर चला जाता है। उसके बाद परिवार के लोग जब देखते हैं कि गजेंद्र के पैर से रक्त स्राव होने लगा बहने, तो गजेंद्र की वो हुंकार और चिघार उसके साथी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर में चले जाते हैं। अथक परिश्रम करने के बाद गजेंद्र को अपने बल पर, अपनी ताकत पर इतना बेसुमार घमंड हुआ करता था कि पूरे वन में सभी जीव गजेंद्र से डरा करते थे, जो गज थे। तो जैसे ही उस मगर ने उनके पाँव को दबा, गजेंद्र को लगा कि उनका जीवन चला जाएगा। तो गजेंद्र लगभग कहते हैं कि पुराणों के अनुसार सदियों तक ये लड़ाई चलती चाहिए, लेकिन गजेंद्र किसी भी हाल में ग्राह से बच नहीं पाए और वो चिल्लाते रहे, चिघारते रहे। अंत में जब गजेंद्र अपनी हार पूर्णता मान लिए तो उन्हें पुनर्जन्म की कुछ बातें याद आने लगी। जब उन्हें लगा कि अब तो जीवन पे बात आ गई है, अब वो बच नहीं सकते, तो वो पुनर्जीवन की बात आती है, तो वो गजेंद्र क्या करते हैं, सीधे भगवान विष्णु अपने आराध्य को पुकारते हैं। कहते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करें, आज इस ग्राह से मुझे बचाएं। सीधे भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के वायु वेग से तत्काल यहाँ पहुँचते हैं और भगवान पहुँचते ही सीधे अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुँह को काट देते हैं। ग्रह का पूरा मुंह जब फाड़ देते हैं, जैसे वो ग्रह का पूरा मुंह फाड़ देते हैं तो गजेंद्र का पांव उससे मुक्त हो जाता है। और क्योंकि ये बात तो उसके साथ भी है कि जिस तरह से गजेंद्र को सांप लगा था, उसी तरीके से ग्रह को भी सांप लगा था, वो भी एक राजा ही थे। तो इस तरह से वो दोनों मुक्त होते हैं और भगवान विष्णु उनको अपने वैकुंठ धाम चलने के लिए कहते हैं। गजेंद्र को कहते हैं कि तुमने तप किया था, हालांकि तुमने दुर्वासा ऋषि का सम्मान ना करने की वजह से, उनका अभिवादन ना करने की वजह से दुर्वासा नाराज हुए आप पे और आपको उन्होंने श्राप दे दिया था गजेंद्र बनने के लिए। आप पांडवंशी राजा हैं, तो आप चाहें तो राजवंश में चले जाएं। तो भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान प्रभु, मैं पहले से ही आपके बहुत बड़ा उपासक रहा हूँ, मैंने गृह त्यागा ही इसीलिए था कि मैं आपकी सही से उपासना कर सकूं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमें अपने लोक, अपने धाम ले चलें और मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। ये पूरा जो देख रहे हैं, ये त्रिकुट पर्वत है, ये गंडक नदी है, यही गंडक नदी जो कि नारायणी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आगे जब उधर क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ आपको त्रिवेणी का पूरा संगम दिखाई देगा, त्रिवेणी है उधर। ये परिसर जो पूरा का पूरा ये है, ये गजेंद्र धाम के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ। तो ये जो गह गजराज का जो मंदिर बना हुआ है, ये इसका मुख्य मंदिर है और इस मंदिर के ठीक सामने ये पहाड़ी जो कि त्रिकुट पर्वत है और बीच में ये गंडक नदी। अगर आप मुख्य मंदिर में देखेंगे तो ये जो मंदिर है, ये इसकी एक टाइमिंग है बकायदे खुलने की, 12 से 2 तक ये बंद रहता है क्योंकि उस समय भोजन समय रहता है इन लोगों के। 2 के बाद से फिर से ये 5 बजे तक ये खुलता है मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर में अगर आप देखेंगे तो गजब की नक्काशी की गई है। मंदिर में सबसे खास चीज़ मुझे लगा वो ये है कि भगवान के सभी अवतार और सभी अवतारवाद को बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं इसमें। अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वाराह अवतार, उसके बाद जस्ट आप देखेंगे तो नरसिंह अवतार, वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, उसके बाद राम अवतार और फिर कृष्ण अवतार, फिर बुद्ध के साथ साथ आपको कल्कि अवतार के बारे में भी दिखाया गया। हालांकि इसमें एक अवतार मुझे देखने को खुद मिला कि इसमें बलराम अवतार भी देखने को यहाँ पर मिला था अंदर। तो इस तरह की इनकी मूर्तियाँ बनाई गई है। फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, फ़ोन ले जाके कोई भी ऐसे गैजेट्स आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते, वो अलाउ नहीं है। हालांकि आप इसके अंदर जाएंगे फ़ोन जमा हो जाएगा और आप पूरा अंदर घूम सकते हैं। नक्काशी बहुत अच्छा है, लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एक भगवान विष्णु की मुख्य जो कह सकते हैं कि जो इसका गर्भगृह है, जो ऊपर आप देख रहे हैं गर्भगृह, गर्भगृह के नीचे आपको भगवान विष्णु का मंदिर दिखेगा, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। और भगवान विष्णु क्योंकि उनका जो वाहन है गरुड़, वो आपको गरुड़ के रूप में दिखाई देंगे। दाहिने और बाएं साइड में अगर आप देखेंगे तो 2 मूर्तियां आपको दिखाई देंगी, जय और विजय की, जो कि इससे संबंधित वो भी पौराणिक कथाओं में उनके बारे में भी काफ़ी चर्चा है, जय और विजय के बारे में। तो आपको कैसा लगा, आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा इसके संबंध में। ठीक है, नमस्कार।